नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF के फर्स्ट डे ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फिल्म ने तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नाड़ा और साथ ही साथ हिंदी में पहले दिन क्या कलेक्शन किया। वही दोस्तों हम बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जीरो के भी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और बताएंगे दोस्तों कि दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने अपने पहले दिन ज़्यादा कमाई की। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी बॉलीवुड और साउथ की सभी फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। तो दोस्तों बात करें दोनों फिल्मों की, तो KGF है साउथ की फिल्म जो कि कन्नाड़ा लैंग्वेज में बनी है और इस फिल्म को तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी में डब करके रिलीज किया गया। वही दोस्तों बात करें जीरो के बारे में, तो ये एक बॉलीवुड की हिंदी फिल्म है जिसे तमिल और तेलुगू में भी डब के रिलीज किया गया। मतलब दोस्तों दोनों तरीके से देखें तो दोनों ही फिल्में ऑल इंडिया रिलीज हुई है। अगर बात करें दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं साउथ के सुपरस्टार यानी रॉकिंग स्टार यश बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रॉकिंग स्टार यश की फिल्म लगभग 2900 स्क्रीन में रिलीज हुई है ऑल इंडिया। वही बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की फिल्म जीरो लगभग 4380 स्क्रीन में रिलीज हुई है। दोस्तों इतनी ज़्यादा स्क्रीन के बावजूद भी जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं KGF के फेवर में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो जीरो ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में लगभग 28 करोड़ की कमाई कर रही है। जिस तरह से इस फिल्म को शाम तक के एडवांस बुकिंग मिली है, वही बात करें तमिल और तेलुगु में तो तमिल और तेलुगु में इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन लगभग 2 करोड़ के आसपास रहने वाला है। मतलब फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास का रह जाएगा। वही दोस्तों बात करें अगर KGF की, तो KGF को बहुत ही धमाकेदार बम्पर ओपनिंग मिली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस फिल्म के तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन की, तो जिस हिसाब से इस फिल्म को अभी तक की ऑक्यूपेंसी मिली और जिस हिसाब से इस फिल्म को नाइट के शोज में बुकिंग मिली, ये फिल्म अपने पहले दिन तमिल, तेलुगु और मलयालम तीन लैंग्वेज में लगभग 13 करोड़ का कारोबार कर लेगी। वही दोस्तों बात करें कन्नाड़ा की, तो कन्नाड़ा में इस फिल्म को बहुत ही मतलब ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूँ कहे बाहुबली 2 से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक कन्नाड़ा मूवी ही है। तो इस फिल्म का जो कन्नाड़ा का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 28 करोड़ के आसपास रहने वाला और शायद 29 करोड़ भी हो सकता है। तो दोस्तों तमिल, तेलुगु में इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 13 करोड़ रुपए और कन्नाड़ा का कलेक्शन लगभग 28 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें हिंदी की, तो हिंदी में इस फिल्म को मात्र 1200 स्क्रीन में रिलीज किया गया है, उसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी में लगभग जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई है उस हिसाब से पहले दिन लगभग 11 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है। मतलब इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है ऑल इंडिया वो है लगभग 52 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के 11 करोड़ रुपए, तमिल, तेलुगु, मलयालम के 13 करोड़ रुपए और कन्नाड़ा के 28 करोड़, मतलब फिल्म जो KGF का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 52 करोड़ के आसपास जाने वाला है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म का कलेक्शन हिंदी में 28 करोड़, तमिल, तेलुगु में 2 करोड़, मतलब पहले दिन 30 करोड़ रुपए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉलीवुड के किंग खान पे साउथ के रॉकिंग स्टार यश भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों अभी तो KGF की शुरुआत है, कहीं ना कहीं यूँ लग रहा है कि KGF शायद 400 से 500 करोड़ तक कमाई भी कर सकती है। वैसे दोस्तों आपने KGF और जीरो फिल्म देखी, तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, रॉकिंग स्टार यश की KGF या फिर शाहरुख खान की जीरो? हमें अपने फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।